मैंने एक बार फ्रिज खोला था और उसमें मुझे सॉक्स दिखे। फ्रिज के अंदर सॉक्स? ये सब हम क्या सुन रहे हैं और ये सब आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने एक्चुअली फ्रिज में सॉक्स रखे थे क्योंकि क्योंकि बहुत गर्म हो रहा था, पैर, सिर्फ पैर। क्योंकि अच्छा, तो गर्मी भगाने के लिए आपने सॉक्स फ्रिज में रखे? हाँ। ओ हाँ। कभी ऐसा ना हो कि गर्मी के मारे आप हमें फ्रिज में सोए हुए मिले। निहाल, इस वक्त आपको पूरी दुनिया देख रही है। यस। आपके दोस्त ने आपको बिट्रे किया है नेशनल टेलीविजन पर। हाँ सर। इंटरनेशनल टेलीविजन। आप बाद में देख लेना। मैं देख लूंगा। हाँ, yes. जरूर, मतलब याद करके देख लेना। यस। बट उसके अलावा मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ, एक बंदा है जो आपको जज कर रहा है इस वक्त, जिसने पिछले सीजन एक कार्डबोर्ड के गधी के साथ शादी किया था। What I'm trying to tell you is, ये आपका जो पागलपन है ना, हम सबका अपना अपना है, okay? आप जैसा गाते हो ना, वैसा गाओ, बस। All the best. This is Indian Idol. Good. You do that. Okay. Thank you so much.
पिछली बार जब निहाल को पहली बार सुना तो मैंने कहा था इंडस्ट्री में इतना बड़ा सुपरस्टार अरिजीत सिंह है तो निहाल की जरूरत क्या है। उसके बाद निहाल ने गाया बहुत खूबसूरत। मैंने तुम्हें वादा किया कि मैं तुम्हें एक ऐसा गाना दूंगा जिससे तुम्हारी आइडेंटिटी बने। मैंने तुम्हारे साथ रिकॉर्ड भी किया और मुझे लगता है कि वो गाना तुम्हें एक अच्छा मकाम, बहुत अच्छा मकाम देगा। बिकॉज एक ऐसी खिड़की इंडस्ट्री ने सदियों से हमेशा एक सिंगर के लिए खोली है। जैसे लता जी ने जब गाना कम किया तब अलका जी के लिए रास्ता खुला। जब अलका जी ने गाना कम कर दिया क्योंकि बहुत गाने गा रही थी तो श्रेया के लिए रास्ता खुल गया। तो मुझे लगता है फिर ना श्रेया अलका जी से मिलती है ना अलका जी लता जी से मिलती है। वो एक जोन होता है। तुम्हारा इस वक्त वो जोन अरिजीत सिंह जैसा है। मैं समझता हूं कि इस वक्त तुम्हें अरिजीत सिंह से नहीं कंपेयर करके तुम्हारी आवाज को अगर सुना जाए तो तुम्हारी आवाज में वो दर्द है, वो कशिश है कि वो मेरे दिल को टच करती है। सो आई एम इन लव विद योर वॉइस। आई रियली लव योर वॉइस। थैंक यू सो मच। सुपर्ब। थैंक यू सो मच। जजेस, मैं आपको बता दूं कि ऐसा आई थिंक रियलिटी टेलीविजन के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ग्रैंड प्रीमियर से पहले हमारे कंटेस्टेंट्स को ब्रेक मिल रहे हैं और वो भी ऐसे वैसे ही नहीं। वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपोजर्स यानी कि HR ने इन्हें ऑलरेडी गवा लिया है। आइए सबको कुछ सुनाते हैं। Oh, yes. वो लैला मजनू का जमाना नहीं। क्या बात है। इश्क मेरा लेकिन कम भी नहीं। मेरी आशिकी है मेरे सनम से लिखी ना मैंने कागज कलम से दिल से लिखी दास्तां दिल से लिखी दास्तां। ओह माय गॉड। वाओ। थैंक यू। ये फाइनली प्रोड्यूस होगा तो इसके बाद इसकी आवाज बहुत खिलेगी। अभी तो सिर्फ आवाज है बट बहुत अच्छा लगा। बहुत दिल से गाया है। थैंक यू सर।